आप जो विधायक थे भाजपा में, तब भी इस थाने में धरने पे बैठे थे, आज क्या वजह हुई जो आपको थाने में धरने पे बैठना पड़ा? 17 साल की लड़की पलक हैदराबाद की निवासी है जी, भी उसमें पढ़ती है फर्स्ट ईयर में, उसके थाने ले आए हैं जी। उसके परिवार के दूर के रिश्तेदारों के खिलाफ कोई मुकदमा पंजीकृत है जी? कोई मुकदमा पंजीकृत है, जात का विषय है जी। और इस तरीके से अगर जवान बच्चियाँ, नाबालिग बच्चियाँ अगर थाने पे लाके बैठा ली जाने लगें बगैर जांच के, जिसका सीधे उसमें अभियोग में नाम नहीं है, NCR में नाम नहीं है जी। तो जब नाम नहीं है, अगर सीधे लाके थाने पे बैठा लेने लगे तो सीधा सीधा उत्पीड़न है जी, मानवाधिकार का हनन है, महिला आयोग का मामला बनता है। हम यहाँ बात करने आए थे, कप्तान कोतवाल ने जो इंस्पेक्टर है यहाँ के, दो बार मेरे फ़ोन करने को फ़ोन नहीं उठाया, किसी दूसरे के फ़ोन उठाते रहे, बात हुई तो कहें मैं बिजी हूँ काम में, तो काम में बिजी है, हमको थाने आना था लोगों के लिए। यहाँ एडिशनल महोदय मिले, उन्होंने कहा कि मैं जीरा नहीं कर रहा हूँ, मैं जानकारी कर रहा था, उन्होंने कहा मैं जीरा नहीं कर रहा, तो मैं जीरा करने उनसे आया भी नहीं, और ना मेरा काम जीरा करने का, मेरा काम जानकारी करने। तो आपकी क्या मांगे हैं? अगर वो लड़की निर्दोष है तो तुरंत छोड़ी जाए जी, और नहीं निर्दोष है, अगर फर्जी मुकदमे में भेज रहे हैं तो हम देख रहे हैं, बैठे हम लोग दूसरे नेता भी हमारे समाधान की बात कर रहे हैं, समाधान की बात कर रहा, अगर वो लड़की नाजायज लाई गई है तो उसको बाइक जा छोड़िए, और नहीं तो जांच करिए बैठा हूँ, जांच करिए। अगर नियमानुसार जो कार्रवाई होगी वो करेंगे, इससे ज्यादा मैं आपको क्या कह सकता हूँ, लेकिन यहाँ बैठ करके ये करके फिर हम यहाँ से मुलजिम बिना किसी जाँच के, ये तो ये विधिक प्रक्रिया तो है नहीं है थोड़ा मौका हमको जी कहें सर, इनसे मेरा इनका झगड़ा हुआ, हमने इनका नाम लिखा दिया, आप पकड़ इनको ले आए, हमने इनका नाम नहीं बाद में कई बार मौके पे अज्ञात तो झगड़ा जिन लोगों को उसने नाम सुनिए, उसने नामजद लिखाया है, जिन लोगों जी नामजद लिखाया उन नामजदों को आप ले आए जी, तो वो बच्ची भी नामजद में नहीं है, उसको कई बार नामजद के अतिरिक्त मुलजिम नहीं बनते हैं क्या? जाँच के क्रम में, जाँच के क्रम में अगर ये आप जाँच करिए श्रीमान जी, मैं देखिए मेरा सांसद जी अनुरोध है कि ये सरकारी कार्य प्रभावित हो रहा है, आप यहाँ पे इतने लोगों के साथ यहाँ बैठे हुए हैं, ये उचित नहीं है। आप मेरे ऊपर मुकदमा लिखा सकते हैं, सरकारी काम में बाधा डालने का मुकदमा लिखा सकते हैं जी जी, स्वतंत्र है जी जी, लिखा सकते नहीं, तो हम तो आपसे अनुरोध कर रहे हैं ना, लिखा सकते हैं, ऐसी कोई नौबत है, आप जो लिखाना हो मेरे खिलाफ मुकदमा लिखा दीजिए, सरकारी काम में बाधा और भी जो लिखाना जी जी, आप स्वतंत्र नहीं। देखिए हम तो यही कहेंगे, हम जो भी करें अनुकूल करेंगे, मेरा अनुरोध आपसे है कि आपकी मैंने आपको अनुरोध आप उसकी जल्दी जल्दी जांच कर लीजिए, यहाँ आने के पहले ही मैंने आपको फोन, जब आप यहाँ नहीं आए तब मैंने फोन करके कहा कि आपके आने की आवश्यकता नहीं है, मैं मौके पे आ गया हूँ, जांच करके जो विधिक कार्रवाई है वो करूँगा। मेरा आपसे फिर अनुरोध है कि इसकी आवश्यकता नहीं है, जो नियमानुसार है, जो अनुकूल होगा नियम के, उसी आधार पर कार्रवाई होगी, हमेशा ये अगर आपको यहाँ पे उठाने तो बाहर बढ़ जाओ, किधर नहीं बाहर, आप और सड़क पे बैठेंगे, सड़क नहीं देखेगा, इतना हमको मालूम है, और उचित नहीं है, नहीं करूँगा सड़क नहीं करूँगा, थाना प्रमाइस थाना देने अच्छा तो है नहीं, ठीक अम्बेडकर परिसर बैठा है, थाना अम्बेडकर कहाँ पे है? नहीं वही है आपके कप्तान साहब के ऑफिस के बगल में, देखिए मैं सिर्फ ये कहूंगा कि आप श्रीमान जी, मैं बता रहा हूँ आवरण अनशन पे बैठूंगा, देखिए अगर आपको बड़ा हमको हमसे शिकायत हो नहीं, हम शिकायत नहीं कर, आपकी मर्जी है तो यही करें, मेरी बात आपको मर्जी है तो यही करके दिखा रहा हूँ, चलिए नहीं आपको लग रहा, आपको लग रहा कि 10-20-50 लोग आ गए, देखिए ये सारे लोग सामने सट जाओ भाई, सारे लोग मैं क्या कह रहा नहीं सुनिए, सारे लोग मेरी बात लग रहा कि आपका बाधा बन रहा हूँ, तो बाधा नहीं बन रहा, मेट्रो पर उसका नीचे अभी आधे घंटे में बैठ रहा हूँ, आमरण अनशन करूँगा, ठीक करिए चलिए, आप लड़ना चाहते हैं नहीं, हम लड़िए, मेरी कोई नियत लड़नी नहीं है, हम बहुत नियम कानून को मानते हैं, आपको मेरे बारे में नहीं पता है, जितना आप भर्ती पहन के नियम कानून जानते हैं उससे ज्यादा मैं प्रयास करता हूँ, ज्यादा करता हूँ, मैंने कोई व्यवधान नहीं आपके बीच बनने का प्रयास किया, देखें हम ठीक है लिए जा रहे हैं, हम लिए जा रहे हैं, आपको
यहाँ आ जाइए, चलिए। नहीं नहीं कल तो रहो, आपकी जगह है तो रहो, अगली जगह खाली आ रहे हैं। यहाँ पर घर भी नहीं है, आप चलो बहुत खाने के बाद अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।